फ्रेंड्स कैसे आप सर? हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देयर आर सिक्स पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन साइड्स एंड द साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू द रिस्पेक्टिव साइड्स? यस फ्रेंड्स, श्योर दीज आर कनेक्टेड टू इच अदर एंड दैट इज कॉल्ड द साइन लॉ और वी कैन से लॉ ऑफ साइन। इन दिस वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट इन विच वे वी विल प्रूव द साइन लॉ बाय वेक्टर मेथड। फ्रेंड्स हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि साइन लॉ क्या है और किस तरीके से हम लोग साइन लॉ को वेक्टर मेथड से प्रूव करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसकी साइड्स ए बी स्मॉल सी, साइड बी सी स्मॉल ए और साइड सी ए आपका स्मॉल बी है। यहाँ पे हमने पहले ही लिख रखा है पूरी प्रूफ को, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं साइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहा हूँ। कैसे? देखिए वेक्टर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी हो जाएगा, ठीक है। पहला वेक्टर ए बी का ये टेल है, दूसरा वेक्टर बी सी का सी आपका क्या है, हेड है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन फ्रॉम ए टुवर्ड्स सी हो जाएगा ए सी। ए सी के लिए हमने जब सी ए लिखा है तो यह साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ए सी और सी ए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। इन फॉर ए बी स्मॉल सी, फॉर बी सी स्मॉल ए एंड फॉर सी ए स्मॉल बी, ये हमने लिख लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ किसके साथ, ए के साथ। तो देखिए ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए और यहाँ माइनस है तो ए क्रॉस माइनस बी, ये माइनस साइन है तो मतलब माइनस वन यहाँ पे स्केलर नंबर है तो माइनस ए बी हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर। कोई भी वेक्टर अगर है उसका इटसेल्फ के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जीरो वेक्टर आता है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिल गया, वेक्टर ए क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। और देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एंटी कम्यूटेटिव होता है। मतलब क्या हुआ, फॉर माइनस ऑफ ए क्रॉस बी वी कैन राइट बी क्रॉस ए, ये मान लीजिए आपका सेकेंड हो गया। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर वी विल टेक द क्रॉस प्रोडक्ट बाई वेक्टर सी ऑफ वन, वन के बोथ साइड्स में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ। तो वेक्टर सी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए, सी वेक्टर सी क्रॉस माइनस बी, यहाँ भी माइनस है तो माइनस बी क्रॉस सी, माइनस सी क्रॉस बी हो जाएगा। एंड वी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एंटी कम्यूटेटिव, तो माइनस सी क्रॉस बी कैन बी रिटन एज बी क्रॉस सी। तो अब यहाँ पे एक बात और ध्यान से देखिए, C क्रॉस A इधर क्या है, B क्रॉस C है, तो हमने इसको क्या रिवर्स कर दिया, तो इधर भी रिवर्स किया हूं। आप सोचेंगे ना कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एंटी कम्यूटेटिव होता है। तो अगर आप C क्रॉस A के लिए माइनस ऑफ A क्रॉस C लिखेंगे तो इधर भी इधर लिखेंगे माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए वन और ये टू और थ्री का A क्रॉस C B क्रॉस A और यहां देखिए A क्रॉस C और ये सी क्रॉस बी, ए क्रॉस सी यहाँ भी है, ए क्रॉस सी यहाँ भी है, मतलब ये ए क्रॉस सी बी क्रॉस ए के बराबर और ये सी क्रॉस बी के भी बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख लिया फ्रॉम टू एंड थ्री। अब ध्यान दीजिए मैं मैग्नीट्यूड लेने जा रहा हूँ सभी का। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर ए क्रॉस बी डिफाइंड है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा कैप एन। अगर आप मॉडुलस ले रहे हैं तो कैप एन की वैल्यू यूनिटी हो जाएगी। अब देखिए साइन कैसे लेना है, सी क्रॉस बी है तो मॉड सी मॉड बी और साइन किसके बीच का, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड बी। यहां देखिए ध्यान से, वेक्टर सी आपका यहां है वेक्टर बी यहां पर है, तो वेक्टर बी का डायरेक्शन अगर आप इस तरफ दिखाते हैं तो ये देखिए इस एंगल की बात हो रही है और ये अंदर का एंगल कितना है आपका ए है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा पाई माइनस कैपिटल ए, मैं वही लिखा हूं यहां पे। उसी टाइप से वेक्टर ए क्रॉस सी, तो वेक्टर ए आपका ये है और सी आपका ये है, तो मैं इधर इसको ये प्रोड्यूस कर रहा हूं, हमें इस एंगल से मतलब है। तो
ये एंगल आपका कितना है, बी है, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस बी। तो यहां पे पाई माइनस बी है, और देखिए बी क्रॉस ए, वेक्टर बी आपका ये है और ये है आपका, ठीक है। इसी टाइप से यहां आप दिखाएंगे इस डायरेक्शन में, ये एंगल कितना है आपका सी है, तो इधर का एंगल क्या हो जाएगा पाई माइनस सी हो जाएगा, तो मैं पाई माइनस सी लिखा हूं। और देखिए पाई माइनस सी जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस पाई माइनस समथिंग दैट विल बी सिचुएटेड इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड वी नो दैट फॉर द एंगल सिचुएटेड इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक विल बी पॉजिटिव। तो देखिए साइन पाई माइनस ए साइन ए हो जाएगा, साइन पाई माइनस बी साइन बी हो जाएगा, साइन पाई माइनस सी साइन सी हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ए बी सी स्मॉल ए बी सी जो साइड्स है उनके प्रोडक्ट से डिवाइड कर दीजिए पूरे में, तो बी सी कैंसिल हो जाएगा तो साइन ए अपॉन ए, यहाँ ए सी कैंसिल हो जाएगा तो साइन बी अपॉन बी, यहाँ साइन सी अपॉन स्मॉल सी आ जाएगा। आप रेसिप्रोकल ले लीजिए तो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। देखिए ये भी साइन लॉ है, ये भी साइन लॉ है, तो इस तरीके से हम लोग साइन लॉ को वेक्टर मेथड से प्रूव कर दिए। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक।